हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ मधुमिता। आज का वीडियो मैं बेसिकली लेके आई हूँ अरिका पाम ट्री से रिलेटेड। बहुत लोग का कंसर्न होता है, प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अरिका पाम ट्री की केयर मैं कैसे करती हूँ। नर्सरी से लाने के बाद प्लांट 2 से 3 महीने में मर जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमें अरिका पाम ट्री की केयर करनी है नर्सरी से लाने के बाद, साथ ही साथ क्या कारण होते हैं इनके मर जाने का। अरिका पाम ट्री के बारे में बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो उसे डू लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं अब अरिका पाम ट्री के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अरिका पाम ट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। अरिका पाम ट्री वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडोर प्लांट में से एक है। इसका साइंटिफिक नाम है डायपेसिस लोटेंसिस। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस प्लांट को आप 10 साल तक अपने घर में रख सकते हैं केयर करके। तो वो कौन से तरीके हैं जिसे आप करते हैं और जिसे आपको करना चाहिए इस प्लांट को अपने घर में 10 साल तक रखने के लिए। अब बात करते हैं इस प्लांट के बेनिफिट के। तो इंडोर प्लांट है अरिका पाम ट्री, तो ऑफकोर्स इसके बेनिफिट्स तो होंगे ही। घर में प्लांट्स रखने के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते ही हैं। अरिका पाम ट्री एक अच्छा ह्यूमिडिफायर है जो कि हवा से रूखापन और एयर ड्राइनेस कम करने में मदद करता है। इसकी वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, एलर्जी, इन सभी समस्याओं में आराम मिलता है। कहने के लिए तो पाम ट्री बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है पाम ट्री को नर्सरी से लाने के बाद। जब तक आप पाम ट्री की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट नहीं जान लेते हैं तब तक ये पाम ट्री आपके लिए हार्डी बिल्कुल नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है पाम ट्री के केयर के लिए। पर आपको ये बताने से पहले कि आप इसकी केयर कैसे करें, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पाम ट्री के डिजीजेस क्या हैं। आप बाजार से पाम ट्री लेकर आ गए, अपने घर में अपने 10 से 12 इंच के गमले में इसे लगा दिया। जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग करने के टाइम पे अगर हल्का सा भी प्लांट डैमेज हो गया, उसके रूट्स डैमेज हो गए, तो इसके पत्ते धीरे धीरे करके पीले होने लगेंगे या ब्राउन होने लगेंगे। तो बेटर होगा आप जब प्लांट ले रहे होंगे नर्सरी से, वहीं पे आप इसकी नर्सरी के लोगों से ही प्लांट को रिपोर्टिंग करवा लीजिए। नहीं तो घर में लाएंगे आप, फिर उसको अपना एक्सपेंस लगाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, और फिर भी ये प्लांट अगर नहीं सर्वाइव कर पाया, पत्ते खराब हो गए, तो फिर वेस्ट हो जाता है सारा एफर्ट और साथ में पैसा भी। अब बात करते हैं अरिका पाम ट्री क्यों खराब हो जाता है, इसके लीव्स क्यों ब्राउन हो जाते हैं। तो उसके कारण ये है, पहला ओवर वाटरिंग, दूसरा अंडर वाटरिंग, तीसरा लो सनलाइट। आप उसे घर के ऐसे जगह पर रखा है जहां रोशनी कम है, सनलाइट भी नहीं आती है, तो ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे करके प्लांट्स की जड़ें खराब होने लगती हैं। तो अगर आपके घर में ज़्यादा सनलाइट नहीं भी आती हो, फिर भी कोशिश कीजिए कि पाम ट्री को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे ज़्यादा रोशनी आती हो, इससे ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। फोर्थ रीज़न है ओवर फर्टिलाइजेशन, एंड फिफ्थ रीज़न है ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चराइजर। कभी कभी लोग ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं अपने प्लांट्स को, जल्दी जल्दी खाद दे देते हैं, जिससे भी प्लांट्स ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कि जल्दी जल्दी फर्टिलाइज नहीं करें, 2 से 3 महीने में फर्टिलाइज करें। और बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट है जो कि ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चराइज की। ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती है गाइस कि आप अपने घर में कहीं एक कोने पे खड़े होके देखिए, क्या आपको एक रिलीफ मिल रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन और एयर मिल रहा है। तो प्लांट्स को भी तो वैसे जगह पे रहना अच्छा लगता हो, तो कोशिश कीजिए प्लांट्स को वैसे जगह पे रखने के लिए जहाँ पे प्रॉपर ह्यूमिडिटी हो, लो ह्यूमिडिटी नहीं हो, प्रॉपर एयर आता हो, ऐसा नहीं हो कि लो सनलाइट हो, एक कोना हो वहाँ पे रख दिया, कोई ह्यूमिडिटी नहीं है। तो इससे ऑफकोर्स जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो प्लांट्स को कैसे अच्छा लगेगा। सिक्स्थ पॉइंट है इंसेक्ट्स। कभी कभी
हमारे प्लांट्स में इंसेक्ट्स लगने लग जाते हैं, कीड़े लगने लग जाते हैं, इसके कारण भी प्लांट्स धीरे धीरे करके मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि अरिका पाम ट्री पीला क्यों पड़ जाता है, तो इसके दो रीजन होते हैं। पहला, आपने इसे बहुत ज्यादा सनलाइट लगा दिया है, या फिर आपने इसके सॉइल को यानी कि मिट्टी को बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया है। तो ये दोनों कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि इसे डायरेक्ट ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, आप इसे वीकली 2 बार पानी दीजिए। आप चेक करके पानी दीजिए कि इसकी जो मिट्टी है वो गीली है, उनमें नमी है कि नहीं, या वो सूखी हो गई है। अगर आपको लगता है कि मिट्टी में ज़्यादा नमी है, ज़्यादा मॉइस्चराइज है, तो आप इसमें पानी मत दीजिए। ओवर वाटरिंग करने से फिर धीरे धीरे करके पत्ते भूरे होते जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। अगर आपका प्लांट पीला हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट खराब हो गया है, सिर्फ रिक्वायरमेंट है थोड़े केयर की, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, अब आते हैं हम अरिका पाम ट्री की केयर की, कि कैसे हमें अरिका पाम ट्री की केयर करनी चाहिए जिससे ये हमारे घर में 10 साल तक आराम से रहे। पहली चीज ये है केयर करने के लिए कि जब आप इसे नर्सरी से लेके आते हैं तो इसे 10 से 12 इंच के पॉट में आप रीपॉटिंग करते हैं। तो जब पॉट में आप रीपॉटिंग करते हैं तो उस पॉट के नीचे में पहले आप उसके नीचे में गार्डन सॉइल डालिए, उसके बाद इसके रूट्स पे ध्यान दीजिए कि इसके रूट्स डैमेज नहीं हो जाए आपको रीपॉटिंग करने के टाइम पे। दूसरी चीज है लाइट। ये प्लांट आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, सब जगह के लिए बेस्ट है। सिर्फ इसे एक फिल्टर लाइट की जरूरत होती है। फिल्टर लाइट मीन्स जब दोपहर का टाइम होता है तो हमारे घर में बहुत रोशनी आती है सूरज की। वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी तो हमारे घर में नहीं आती, वो फिल्टर रोशनी होती है जो कि सूरज की आती है। तो उसी टाइप की फिल्टर लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पाम ट्री को। तो वैसे ही जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा फिल्टर लाइट आती हो। तीसरी चीज़ ये है कि हमें पाम ट्री के वाटरिंग पे ध्यान देना है। जब पाम ट्री का जो सॉइल है 1 से 1.5 इंच तक ड्राई हो जाता है तब हमें इसकी वाटरिंग करनी है। सॉइल ड्राई होने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर ड्राई हो जाए। करते हैं इसके सॉइल की, तो अगर आप 75-80% गार्डन सॉइल एंड 20-25% कंपोज सॉइल यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा है पाम ट्री के लिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइज करने के लिए आप इसकी फर्टिलाइजर 2 से 3 महीने में कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस चीज का ध्यान रखिए कि 50 ग्राम से ज्यादा आप इसमें कंपोज सॉइल नहीं डालिएगा, और 50 ग्राम कंपोस्ट सॉइल डालने के बाद पानी डाल दीजिए, वो अपने आप अंदर तक चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जो भी आपको अरिका पाम ट्री के बारे में बताया है वो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो।